अल्लाह का जिक्र जाए मुस्तनाद तरीका से जाए, चाहे तखलिया हो और तखलिया ख्याल का नाम है, बाकी इसमें जितने लोग मिलकर जिक्र करें कर सकते हैं, और दुनिया के ख्याल से आजाद होके एक रिदम के साथ आवाज के साथ शुरू करते हैं इस बात को। अल्लाह ताला के अस्मा का जिक्र है वो जिक्र इलाही कहलाता है, कलमा शरीफ का जिक्र है ये जिक्र इलाही कहलाता है, और अस्मा है जितने वो जिक्र इलाही कहलाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू किया जाए ये जिक्र इलाही है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया जाए मिलके सारे शुरू कर देते हैं तो अल्लाह अल्लाह। मेरे एक आदमी जोर से बोलता है, बाकी अपना पास या फास के साथ इसका सिस्टम है, सांस के साथ तरतीब के साथ, क्या लफ्ज अल्लाह जो है ना उसी रिदम के साथ कहा जाए। इसका मतलब यह है कि आवाज के हंगाम में अफकार सो जाते हैं और इंसान अपने आप को सुपुर्द कर देता है अल्लाह के जिक्र के, और वो जो बारफ्तगी है ना या सुपुर्दारी आप समझो वो है इस जिक्र से मनफत लेना, कि आपका खुद एक आवाज बन के रह जाते हो उस वक्त और कोई चीज आपको याद नहीं होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह करना जिक्र है, इल्लल्लाह इल्लल्लाह करना जिक्र है, अल्लाह 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 करना जिक्र है, अल्लाह हू करना जिक्र है, खाली हू जिक्र है, ये करने की बात है। इसके लिए अगर आप जिक्र करना चाहो अब मतलब ये खुद ब खुद किया करो, सांस के साथ किया करो, अगर मिलके करना चाहो तो किसी को मिलके भी कर लो, हो सकता है सिस्टम ही है। खाली बैठ के आप ले अल्लाह अल्लाह करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की करो, जर्ब के साथ भी रहता है, फिर इल्लल्लाह की जर्ब होती है, क्या इल्लल्लाह की जर्ब के साथ बदले में कुलूब के अंदर कुलूब अलआरिफीन के अंदर वाजलत कुलूब उनके दिल में क्या क्या चीज तारी जाती है, फिर उसके अफकार सारे बुलंद हो जाते हैं, फिर उस पर वो नाजिल होना शुरू हो जाता है ख्याल आलिया। देखो आप आपने ये कहा ना पहले आपसे पूछा खबरों का जिक्र नहीं पूछा था आपने, जो कमीशन लोग होते हैं मिशन पर भेजे हुए होते हैं वो मिशन में हमारा रफ्ता होना उनका जिक्र होता है। जिक्र का मतलब यह है कि अल्लाह के हुक्म के अंदर जो है गायब हो जाए, वहां अम्रेला ही है चल रहा है, वहां कोई जिक्र की बात जो नहीं है कि आप अल्लाह के जिक्र में गुम हो तो आप ही मजकूरे इलाही हो पड़े हैं। हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं वहां तो अल्लाह उनका अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह ने बड़ा ये मकाम है बयान किया कि मैं और मेरे पीछे दुरूद भेज रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा बात है कि अल्लाह सलाम भेजे किसी इंसान पर, अल्लाह सलाम पर सलाम भेजे बड़ी बात है, खालिक होके मखलूक पर सलाम, और मखलूक को अगर शर्म नहीं आती मखलूक को कहां सलाम भेजना। अल्लाह ने बताया कि जो मेरा जिक्र करता है मैं उससे जिक्र करता हूं, जिक्र के बहुत सारी आते हैं अल्लाह ताला के, वो फिर एक जगह पर हुक्म है कि जिस हाल में हो जिक्र करो, हाल की कोई कैद नहीं है क्योंकि जिक्र रूह ने करना है और रूह मुकद्दस रहती है हमेशा ही, वो डिफाइल नहीं होती बाकी रहती। फिर एक वक्त आता है कि जिक्र जो है ना वो चलता है ब्लड के साथ चलता है ख्याल के साथ चलता है, चलता रहता है और आपको पता ही नहीं होता है जिक्र जारी है कैसे जारी है, कल जारी हो गया वो खुद बखुद आपका काम करता है, फिर आपको महसूस होता है कि कल आपकी दूसरी शख्सियत है कि वो आपके काम में लगा हुआ है, आप अपने कारोबार कर रहे हो जिंदगी गुजार रहे हो तो जिक्र जारी है, वो जिक्र ही कारोबार में लगा हुआ है, आप और कल दो हो, फिर जब आप ही मकाम में कल पे पहुंच जाते हो एक हो जाता है, फिर इंसान जिक्र करने वाला जाकिर कहलाता है, जिसका जिक्र हो वो मजकूर कहलाता है, और रबता दरमियान में जिक्र है। अगर आप मजकूर के ख्याल में गुम हो जाओ तब भी जिक्र है, मजकूर की बात में गुम हो जाओ तब भी जिक्र है, और मजकूर के कुल किसी काम में जवा जाओ मैं वजह जिक्र है, और मजकूर की मस्जिदों में झाड़ू दो जिक्र है। तो बताया एक जगह पर हुक्म है अगर तीन चीजें इकट्ठी हो जाए, एक लम्हा के लिए इकट्ठी होती है सेकंड के लिए, जिक्र जाकर और मजकूर, फिर पता नहीं कौन किसका जिक्र कर रहा होता है, क्या कहा
पहले हम जगह कर रहे हैं अल्लाह का अल्लाह हु करते जा रहे हो अल्लाह अल्लाह, एक जगह बदले पे आवाज मुख्तलिफ होगी। वो अपनी दास्तान आप भी सुना गए, सुना गए और तेरी भी बिगड़ी दास बना गए। और ये होता है क्या होता है उसके जिक्र के खुलूस में कभी कभी आप इस मकाम पर आते हो कि मजकूर को लुत्फ आता है उस जिक्र का और वो करीब हो के आपने जिक्र को सुनता है। एक दफा ऐसा हुआ कि हजूर काम करके तकलीफ ले गए एक ग्रोह के पास, वो ग्रोह बैठे हुआ था, आ जाके देखा ग्रोह चंदा जी बैठे हुए हैं। तुम लोग क्या कर रहे थे? उनसे पूछा जी हम जिक्र कर, आपने पूछा जिक्र कर क्यों जिक्र कर रहे थे? कही हम अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए कर रहे थे, कोई दुनियावी पे मंसद कोई तमन्ना कोई मकसद कोई इत्मा बनाना मकसद हो कोई सवाल करना मकसद हो कोई दुआ करना बाद मकसद हो तो ये हम जिक्र बराए मजदूरी करते जा रहे हैं, जिक्र बराए जिक्र ही करते जा रहे हैं। आपने फरमाया कि आप लोगों को मुबारक हो कि अल्लाह की ने मुझे इरशाद फरमाया कि जाके देखो वो लोग जो मेरा जिक्र सिर्फ मेरे लिए करें और उनकी कोई मंसद की बात नहीं है, तो वो अल्लाह ताला के मतलब बात पसंद आती है कि जिक्र करते जाओ मजकूर साथ शामिल हो जाए तो पकड़ कर लेना कि मेरे दो काम ही कर जा, पर जिक्र का साथ मजकूर चल पड़ेगा। अगर ऐसा वाक्य हो जाए तो फिर उसको आपने किसी काम पे नहीं लगा बात, और ये हो जाता है कुछ अर्से के बाद। इसलिए कहते हैं कि जिक्र जारी होने से पहले दुआ वादा लेते हैं जाकर से, पता क्या वादा, किसी को बस दुआ नहीं देनी और अपने आप को दुआ नहीं करनी, मुश्किल बात है। क्या कहा? किसी को बस दुआ नहीं देनी और आपने भी दुआ नहीं करनी, आप जिक्र पर चलता जा, क्योंकि जिक्र पर दर्जात आएंगे ना मंजूरी के, आप मंजूरी के स्टेज पर आ जाए तो दुआ शुरू कर दे आपने लिए, आखिर जिक्र से मालूम हो कि दम लेगा दुआ करने वाला, वो क्या मांगेगा जिससे जिक्र उसका बंद हो जाए, और बद्दुआ करते करते अल्लाह किसी मकबूल के बद्दुआ कर देगा जाने बगैर, अल्लाह इसको मतलब पुनः करते पता नहीं वो अल्लाह प्यारा हो तुम्हें काफत नजर आ रहा हो पता नहीं उसको कितना पसंद हो कौन क्या है, इसलिए बद्दुआ नहीं देनी किसी को और अपने लिए दुआ नहीं करनी, अब जिक्र करो फी सबीलिल्लाह, इतनी हिम्मत है तो जिक्र में दाखिल हो जाओ शुरू हो जाओ। तो खफी जिक्र है और जली जिक्र है, जल्दी बंदे आवाज के साथ कभी मैंने बे आवाज उस लोग जिक्र करने लगे अल्लाह का अल्लाह अल्लाह ऊंचा बोलने लगे, एक दिन पास ही गुजरा कहते कोई उदाहरण अल्लाह बोला कि तुम ऊंचा सुनते कहां से आवाज दे रहे हो, बात ही है कहीं दिल के अंदर दे रहे हो वहीं से आवाज दो, ऐसे ऐसे लोग आए दुनिया में। तो कुछ लोग खुफी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जली करो, कुछ लोग इतना जली करो कि जहां तक तेरी आवाज पहुंचती है पहुंचे, दोनों चीजों में बराबर है कि पहाड़ों में जिक्र करो फिर तेरे पहाड़ भी जिक्र करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि तू अपने दिल में जिक्र कर, जमानो मकान से बेनियाज हो के खालिक के कौन मकान का जिक्र कर ला मकाम है, जी भी बताते हैं क्या कहते हैं, जमानो मकान से बेनियाज हो के खालिक के कौन मकान का जिक्र कर ला मकाम होकर, यहां भी जिक्र है असल में फिर तेरा अपना नाम ही जिक्र है, तू खुद मजदूर है इज्जत खुद भी तो मजदूर है ना, कि तेरा जिक्र हुआ तेरे चर्चे हुए मैं जमीन पर बनाने लगा हूं उन लोगों को आ रहे हैं मुदर्जा मदर्जा, इसलिए तुम खुद मजदूर हो घबराने वाली क्या बात, जिक्र और दुआ दोनों जिक्र मोहब्बत का है, मोहब्बत में सवाल जो है ना गैर महबूब नहीं होना चाहिए, तेरे सिवा करूं पसंद क्या तेरी कायनात, फिर तो वहां और मकाम है ना, कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफर है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में कि तुझसे तेरे अलावा मैं कुछ नहीं मांगता, ये अलग मकाम है, साहिल का मकाम और है और मुहिब का मकाम और, दुआ साहिल करता है और मुहिब तो फिर मुहिब कुछ मकाम और है, और तेरे दर के साथ है तेरे दर के साल करते जा, साल का रास्ता भी अच्छा है,
लेकिन कुछ लोग होते हैं उम्मीद पे रहते भी जाते, कहते हो देख तू छुप, कहते कहां छुपेगा, हम ढूंढ के देंगे। ये खेल करने वाला जो है ना, एक होता है कारोबार जौक और एक होता है जौक कारोबार। जौक कारोबार मौजूद हो तो कारोबार जौक नहीं कर सकते, आसान दी कहानी। इसलिए कारोबार करो या जौक करो, बेहतर है। जौक वाले अलग होंगे, कारोबार वाले अलग। कारोबार वाले को शाबाश देनी चाहिए। एक दरवेश थे, बोलते गुजरे आबादी के पास से, तो आपने किसी को सिखा रहे थे, अपने को देखो तुम ये देखो कि ये आबादियां कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, गिर जाएंगी, लेकिन तुम ये देखो कि उसके मंशा क्या है। ये आबादियां भी अपनी जगह पर हकीकत है, इनमें आर्थिक क्याम होगा इंसान का, आर्थिक इंसान होंगे, लेकिन इन्हीं आर्थिक क्यामों के अंदर अंदर कोई ना कोई अबदी बात निकल आएगी, इसलिए इनको भी बुरा ना कहो। तो फानी को भी बुरा ना कहो, क्योंकि फानी के दम से बाकी का कारोबार चलता है। कारोबार क्या रहता है यहां पर, इन्हीं के अल्लाह का मकाम, अल्लाह का जिक्र जो है इसी गैर अल्लाह के दम से होता है। इंसान का बड़ा मकाम अल्लाह आ जाए तो उसके दरख्त की जबान से बोल पड़े, फिर इंसान की जबान से तो अक्सर बोलता है अल्लाह, आज नहीं हमेशा बोलता आ रहा है इंसान की जबान से। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बातें इंसान ने बताई, मेरी बताई मेरा बदले में, तो इंसान के दम से चला सारा कारोबार अल्लाह तआला का। कि आदम अलैहिस्सलाम से, फरिश्तों से, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम से, तमाम बुजुर्गों के साथ चलता है अल्लाह तआला के जिक्र अज़कार। अल्लाह ने अपना जिक्र कभी आगे खुद ही नहीं बताया, यानी कि कलाम इलाही बंदा लाएगा, कमाल की बात। हम तो आज कहते हैं ना कुरान पाक प्रिंटेड बाई ताज कंपनी लिमिटेड लाहौर, ये नहीं बात, तो अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम भी बंदे के लिए है, काम ऐसा है। तो ये आदमी बड़ी काम की चीज है। इस आदमी के पास अगर मोहब्बत ना हो तो फिर ये अफसोस की बात है। हम ये नहीं कहते कि ये चीजें आर्दी हैं, बुरी हैं, अच्छी है चीजें। दुआ मांगना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह से इतना मांगो कि चाक तंग हो जाए, कहते ये क्या तस्मा भी मांगो, उसे छोटी चीज मांगो, बड़ी चीज मांगो, मांगो मोहब्बत करने के मकाम पर जाओ तो फिर ये छोटे सवाल। महबूब को सवाल किया कि महबूब जलवा दिखा, महबूब जलवा दिखा, ये क्या बात है महबूब, क्या कोई बात तो नहीं, तो जलवा दिखाओ बात बात निकाल कहते थोड़े देर रात जलवा जलवा बारह जलवे है, जलवे का तमन्ना ही जलवे में रहे, जलवे को नकद न बनाओ। इसलिए वो कभी नहीं मांगते, आमतौर पर जिक्र की महफिल में नहीं मांगा करते दुआ। आजकल तो लोग करते हैं दुआ, कर देते हैं कि एक ही दुआ होनी चाहिए कि यार रब्बुल आलमीन अबे अपने नाम का जिक्र बना, हम तेरे नाम का वर्द करें, हम तेरे नाम को याद रखें, तेरा नाम हमारे लिए मिशल रहा हो, तेरा नाम हमारे लिए जहां काम आए वहां काम आए, हमारे मकबरों में चिराग हो तेरे नाम की याद का, मुझे काफी है लेना। बाकी ये दुनिया हम खुद बना लेंगे, क्या कर लेंगे खुद बना लेंगे, तुझे ना मानने वाले बना लेते, अपने काम तो मानने वाले हम खुद बना लेंगे। रोकना कौन है आपको, मकान बनाया आपने बनाया, अब उसमें अल्लाह को इन्वोक क्यों करते हो, तो जमीन के टुकड़े बेचो तो शहर में मकान बनाओ, चागीर इतनी आपके पास बड़ी हुई खैर है, वो अगर दो बेचो काफी नहीं बनाओ तो मार ले बना, खैर उस सारे लोग कर लेते। अब वो जो चिराग है मजार है ना, वो फिर कौन सा, वो जमीन से हासिल नहीं होता, चिराग मजार जो है ना ये फिर याद यार के साथ वो हो गया, वो वही करेगा। इसलिए कहते हैं कि मन कौल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल्जन्ना फदाखल अल्जन्ना, कभी कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का विद करना चाहिए, ये ईमान के ओपन इजहार की एक अलामत है। इधर क्या बात है, ईमान की ओपन इजहार की बात है। लिहाजा हम अभी से थोड़ी बात करते हैं, पहले हम तौबा करते हैं कि या अल्लाह हमें हमारे गुनाह से निजात दे, हमें हमारे आमाल की इबादत से निजात दे, हम अपने तमाम करदा ना करदा खताओं की माफी चाहते हैं, हमें बिल्कुल माफ कर दे, आइंदा भी माफ ही कर, अगर तेरे नाम का अवैध तो हम मतलब मुसलमान होने से ये ऐलान करते हैं, काम बिस्मिल्लाह पर करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसका जिक्र कैसे बनेगा कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाएं,
दो आदमी मिलके पढ़े, चार आदमी मिलके पढ़े, तो ये जिक्र बन जाएगा। फिर इसका तरीका है आइंदा नशीत में हम इसको जिक्र भी कर लें, ठीक है, ताकि उसमें फॉर्म कायम हो और तैयारी हो, तो ये अल्लाह का जिक्र बना जाएगा। हमने बात मोहम्मद कलमा पूरी तरह से सुन लेना चाहिए, ना इल्लल्लाह होना चाहिए ना रसूलल्लाह होना चाहिए, ला इलाहा पूरा बताओ क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बड़े आवाज के साथ जबर देर का बड़ा ख्याल होना चाहिए, और जिक्र जाए ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए या इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ये बिल्कुल बेनियाज जिक्र है ना, इल्लल्लाह इल्लल्लाह का मतलब क्या, आगे बस वाय तेरे है को नहीं, तो देखा जाएगा। मगर अल्लाह वो क्या था, कहते मगर अल्लाह देखा जाएगा, ये जरूरी है मगर अल्लाह, इल्लल्लाह कुछ भी नहीं चाहिए इल्ल मगर अल्लाह। फिर अभी आसमान से कहते जाए इल्लल्लाह, फिर जब बंदर से निकलेगा ना अल्लाह की आवाज आएगी, और फिर वो जमीन और आसमान लड़ जाते हैं, और लड़ जाते हैं आप किसके बाद जरब बोलते हैं इल्लल्लाह की जरब, ये जरब करीमी है, ये जुल्फार है, ये आसमानों की कलीद है, लिकुल शान कलीदन वकलीद समा ला इलाहा इल्लल्लाह, हर शह की चाबी है और आसमानों की चाबी जो है ला इलाहा। अब आप दुआ करो, फिर तहरी के वक्त जाके गुजारो, दुआ जो मर्जी करो, अब दुआएं सारे लोग होते हैं, दुआ क्या होनी चाहिए, कारोबार तो आपके जो है ना उसको दुआ ना किया करो, एक काम तो खुद कर लो, कारोबार करने वाला घरों के अंदर जो है ना शांति और सुकून, ये भी दुआ की कोई बात नहीं है, ये आपको वैसे मैं हुक्म देता हूँ कि आप घरों को खुशगवार रखो, पाकीदा रखो झगड़े से इख्तलाफ से, अगर आपका साथी इंफीरियर है तो उसकी खुशकिस्मती तुमसे ज्यादा है, इंफीरियर को तुम जैसे सुपीरियर इंसान मिल गया खुशकिस्मती उसकी ज्यादा है, और अगर वो सुपीरियर है तो वो तो है सुपीरियर, तो लिहाजा ये तो घर का आबाद हो गया, अगर वो साथी इंफीरियर है तो खुशकिस्मत ज्यादा है, और अगर सुपीरियर है तो सुपीरियर ही है फिर, इसलिए साथी को मौका दो हमेशा सुपीरियर रहने का, आप बात समझ रहे हो, इकार आबाद रखो आशियाना आबाद रखो, तुम बच्चों को तंबीत करते हो पालते हो, बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं होते, मैं पहले बताया, अपनी शख्सियत लेके आते हैं, अपनी मलकियत लेके आते हैं, अपना नसीब लेके आते हैं, और तुम्हारे अंदर मोहब्बत अल्लाह ने रखी है बच्चों की, अगर ये मोहब्बत हो तुम पालो ना, तो तुम अपनी मोहब्बत के गिरविदा हो, तुम बच्चों का पाल रहे हो, बच्चों का नसीब तुम लोग हो, तुम्हारा नसीब बच्चे लोग हैं, इसलिए ये कोई अजीब सी बात है, तो बच्चों पर जो है ना ज्यादा रोक डांट डपट मत किए करो, बस बच्चों के साथ शफकत बांध के रहा करो, ये दो काम हो गए। तीसरा कारोबार इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एहसास से मालूमी ना हो, दो तरीके हैं, अगर ख्वाहिश कम हो जाए तो फिर एहसास से मालूमी खत्म हो जाए, या अल्लाह या माल ज्यादा दे या हमें ख्वाहिश कम दे दे, दोनों में से एक चीज खाते, ख्वाहिश कम हो जाए तो मेरे ख्याल काफी माल ज्यादा हो गया, खुद बखुद ज्यादा हो गया, इसलिए हमारा या तो हासिल बढ़ा या आरजू कम कर, दोनों बातें ठीक है, हमें दोनों मंजूर है, बाहर अपनी मोहब्बत अदा कर, अपने महबूब सरसर की मोहब्बत अदा कर, हमारे लिए जिंदगी भी आसान बना, मौत भी आसान बना, मां बाप मौत भी आसान बना, हमारा माजी भी उन लोगों के साथ मिला जिनके साथ मिलाना चाहिए, और मुस्तकबिल भी उन लोगों के साथ मिला जिनके साथ मिलाना चाहिए, ताकि हमें मतलब तेरे नाम का फजल होना चाहिए हासिल, हम जन्नत दौर की बात नहीं करते हैं, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि आपकी मोहब्बत हासिल हो, आपके महबूबों की मोहब्बत हासिल हो, अच्छा बात है, तो आप और ये पाकिस्तान के हक में जो बात कर रहे हैं ठीक है, कि हमें यार बुलाने पाकिस्तान में कभी तेरे नाम की नस्बत से कोई वादत अमल करके दिखा, तू ही करके दिखा, हमसे तो नहीं होती दुआ, हम करते हैं क्या दुआ करते हैं, इस मुल्क में कोई वादत अमल होनी चाहिए, कोई वादत अमल का फार्मूला तू ही दिखा हमें, किस तरह होता है वो बगैर अजाब के दिखा हमें, ये तो हम जानते हैं कि कहीं कोई सख्त ताकत आ गई मेरी तो वादत अमल पैदा हो जाएगी, फिर कड़के वाली ना कर, इसलिए मेहरबानी कर ये दाढ़ी मार के मत उड़ा, दुआ करो ये अल्लाह ताला हमें मोहब्बत के जरिए इकट्ठा करे, तो हम तो मतलब पैसा इतने को इकट्ठा करने को तैयार है, बिछड़ते कि तू इकट्ठा कर, हमसे तो छोटे से चार आदमी इकट्ठे इकट्ठे थे, अब आप दुआ कर लो सारे अल्लाह ताला, आप जब भी दुआ करो या रब्बुल आलमीन, हमें कुछ ये भी दुआ करने वाली है कि जो नियत हमारी अच्छी होती है बाज अवकात हमारा अमल उतना नियत के बराबर नहीं होता, हमारे अमल को हमारी नियत के करीब पहुंचा, हमारे नेक अमाल जो है ना वो नेक नियतों के करीब पहुंचा, नियत भी जैसे से दा है हमें नेक अमल भी दा कर,
और ये सुस्ती और हमारे जो कोई गफलत है ये दूर कर। ये बुजुर्गों ने दुआ मांगी है, या अल्लाह गफलत दूर कर, सुस्ती दूर कर, ये नमाज दिखाते हैं इस बात अल्लाह ताला आपको तमाम लज़्ज़तें आलाइशें गफलतें दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, हर हाल में आपके साथ मेहरबानी हो। तो सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की व नूर रसूल हबीबना व सैयदना व सनना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि। यानी इससे वाज़े कुरानी हुक्म की ऐसी है ये पागलपन इस्लाम के नाम पर अच्छी खासी तो चलिए जी ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे आप ये देखिए कौमी जिंदगी में आपके 3 दिन बर्बाद। सारी दुनिया में वो इतवार और हफ्ते की छुट्टी कर रहे हैं, आप जुमे की छुट्टी कर रहे हैं, 3 दिन इंटरनेशनल सतह पे आपको कारोबार बाकी टाइम का फर्क वहाँ देखा बिल्कुल बेकार है, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। एक बात मोटी बड़ी बात फैसला करो, कुरान पाक के अल्फाज नहीं लिखे होने चाहिए, आधे अखबार पर नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर वो किताबें जो शाम तक रद्दी जाती हैं अखबार, उन पर वो चीज नहीं होनी चाहिए जो मुकद्दस है। खाने काबा की तस्वीर जो है ना वो शाया मत करो, और उन कैलेंडर पर भी ना शाया करो जो तार के तौर पर आते हैं, होने ही ना दो। हमारा मत वही है सारे कार्ड को नहीं संभाल के रख सकते, तो उसके बाद वो क्या कर लेते हैं, जला दिया जाए पानी में कहते, कुछ लोग कहते हैं जला भी दिया जाए, मैं आजादी तौर पर ना नहीं कहता, मैं ये ऐसे काट दो लफ्ज अलग अलग हो जाए। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी अमल करते वक्त क्योंकि जो एहसास हकीकत है, अभी मैं पिछले दोनों कागज अपने से मिट रहा, अब ये मैं करने बैठ गया, मैं इसी तरह जो बहन कह रही हूँ, अब मैं अबल तो काटने का अमल, अब उसके बाद मैंने समझा कि इसका हल ये है कि इसको काट दिया जाए, ये दर्द जैसी हालत में ना है, ये अजीब लगता है कि ये क्या कर कुछ करने ना या मस्जिद के इधर रखा होता मिट्टी पानी आग हवा एक ही चाहिए। सूफी बरकत अली साहब ने दारुल कुरान इसी चक्कर में बना दिया, नहीं मिट्टी से कोई इलाज नहीं है, दुआ करो कि ऐसा मौका है कि ये चीज निकाल दो, ये जिंदगी सी बात खत्म हो जाए। बस आप जाने दीजिए फिर उनका क्या क्या इस्तेमाल है, छोड़ दो झाड़ू दे के कहते हैं इस पे डाल हर चीज छिलके, ये वो क्या चीज, किस बस जाने दो, जाने दीजिए किस चीज में जाने दो। इंसान जिस तरीके जब रहने दिया रहने दो, बार ऐसा नहीं होना चाहिए, जब अजान है बंद कर देती, उससे कोई अजान या नमाज थोड़ी पढ़नी पड़ती, शाम की अजान तो जरूरी है सुननी चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, ड्रामा की नमाज पढ़ी जाए, ड्रामा देखे पागल है, अब अजान भी गलत होगा ना, बैन अवी तौर पर चलने देते हैं ना दीनी तौर पर चलने देते हैं, अच्छा कुछ सूरत निकलेगी जल्दी निकलेगी इंशाल्लाह, जल्दी भी कह रहे हो आप जल्दी निकलेगी, आप इंतजार करो यकीन के साथ और दुआ के साथ रुख्सत हो जाओ, मुलाकात हो।